क्या आप जानते हैं ये होल्स क्यों होते हैं? और जो आप अपने कार की सीट पर हेडरेस्ट करते हो ना, वो हेडरेस्ट करने के लिए नहीं होता, बल्कि उस चीज़ के होने का और रीज़न है। आज की वीडियो में ना 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो आप अपनी डेली लाइफ में अपनी आंखों से देखते हो और इस्तेमाल भी करते हो, पर आप उनका असल होने का रीज़न नहीं जानते। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको शॉक करके रख देने वाला है। नंबर 10, लॉलीपॉप। लॉलीपॉप बच्चों की सबसे फेवरेट कैंडी है। आपने ये कैंडी बचपन में जरूर खाया होगा। आपने कभी ना कभी नोट किया होगा कि लॉलीपॉप की स्टिक के लास्ट में एक छोटा सा होल होता है। बच्चे समझते हैं किसी तरह की सीटी है या किसी तरीके से बजाने के लिए होता है, लेकिन इस होल का ये रीज़न बिल्कुल नहीं है। असल में इस होल की मदद से कैंडी स्टिक पर जमी रहती है और इसे खाते वक्त आपके मुंह में या ज़मीन पर नहीं गिरती। इसके अलावा गले में फंसने की सूरत में एयर सर्कुलेशन का भी काम करती है। नंबर 9, लैपटॉप चार्जर। दोस्तों, आपके पास लैपटॉप चार्जर है तो आपने इस चार्जर में ये सिलेंडर देखा होगा। हम डेली इसे देखते तो हैं, लेकिन इसका होने का रीज़न कुछ ही लोग जानते हैं। असल में इस फिलिट ब्लिट कहा जाता है। यह हाई फ्रिक्वेंसी नॉइस को लैपटॉप को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आने से रोकता है। यह इंडक्टर होता है जो लैपटॉप के अंदर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को रेडिएशन और कनेक्शन को कंट्रोल रखता है। सिंपल भाषा में यह छोटी सी स्विच बहुत ही काम की होती है। यह लैपटॉप को खराब होने से बचाती है। नंबर 8, ऑल इन पॉट। दोस्तों, आपके घर में खाना बनाने वाले बर्तन होंगे। किचन में बर्तन कुकिंग के लिए होते हैं। इनके हैंडल्स पर होल्स जरूर होते हैं। आपने शायद इन्हें नोट किया होगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये इसलिए होते हैं कि बर्तन को लटकाया जा सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये होल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि खाना बनाते टाइम चम्मच को इसके अंदर रखा जा सके, क्योंकि खाना बनाने वाली चम्मच कहीं रखी जाएगी तो गंदी हो जाएगी। क्योंकि इस होल में रखने से इजीली उठाया जा सकता है और इस चम्मच को रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा बर्तन की या किसी टूल की यूज़ करना नहीं पड़ेगा। 7, हेडरेस्ट इन कार। दोस्तों, आप सबने कार की सीट पर यह हेडरेस्ट देखे होंगे। आप सोच रहे होंगे इनका पर्पस सर रखने के लिए होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इनका पर्पस सर रखना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस पर्पस के लिए बनाए नहीं गए। इनका पहला काम एक्सीडेंट के टाइम लोगों की गर्दन को टूटने से बचाना है, क्योंकि एक्सीडेंट में झटका लगता है। अगर ये सर के पीछे ना हो तो गर्दन टूट सकती है। इसके अलावा शायद आपने नोट किया होगा कि हेडरेस्ट ऐसे बनाए जाते हैं, इन्हें कोई भी ओपन कर सकता है। इस डिज़ाइन के पीछे एक वजह है। इनका डिज़ाइन इसलिए ऐसा बनाया गया है ताकि अगर गाड़ी किसी वजह से पानी में गिर जाए तो इसकी मदद से शीशे को तोड़ा जा सके। तो इसी बात पर भाई एक लाइक तो बनता है। नंबर 6, सिंक होल। दोस्तों, हर सिंक में नीचे एक होल होता है जिससे पानी पाइप के जरिए बाहर निकल जाता है। आपने सिंक होल के कवर तो देखे होंगे। असल में इनका पर्पस सिंक में पानी भरकर चीज़ों को वॉश करने के लिए होता है, लेकिन इनको भरकर बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शायद आपने सिंक में मौजूद एक साइड होल देखा होगा। ये होल हर तरह की सिंक में होता है, लेकिन इसको बनाने का पर्पस बहुत ही कम लोग जानते हैं। असल में ये होल घर में पानी भर जाने से बचाने के लिए बनाया गया है, जैसे कि कोई नल चालू करके बंद करना भूल जाए और सिंक पानी से भर जाए तो पानी होल के जरिए ड्रेन पाइप में चला जाएगा और पानी सिंक से बाहर नहीं आएगा। नंबर 5, स्ट्रिप लाइंस इन प्लग। दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि हेडफोन प्लग में ये ब्लैक लाइंस होती है। कई प्लग में 2 लाइन होती है और कई प्लग में 3 लाइन होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये लाइंस सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि इनका स्पेशल पर्पस होता है। इनमें से हर स्ट्रिप लाइंस को हेडफोन के साथ कनेक्ट करती है, इसलिए स्ट्रो हेडफोन में 2 स्ट्रिप लाइंस होती है। और जिन हेडफोन में माइक होता है इनमें 3 स्ट्रिप लाइन होती है। अगर इनमें से एक भी खराब हो जाए तो जिसे हेडफोन के साथ कनेक्ट होती है वो काम करना बंद कर देती है, इसलिए कई बार हेडफोन्स को हिलाए जाने पर वो काम करना शुरू कर देते हैं। नंबर 4, होल इन लॉग। दोस्त, आप सब ने पेड लॉग में ये छोटा सा होल देखा होगा। पहली बार देखने पर यह बिल्कुल यूजलेस लगता है, लेकिन इस होल का एक यूजेबल पर्पस है। असल में यह लॉक को जंग लगने से बचाता है। इसकी मदद से लॉक
में पानी और दूसरे तरह के लिक्विड निकल जाते हैं और ताले में जंगने लगता। इसके अलावा इस होल से लॉक को मैग्नीशियम को ऑयल भी दिया जा सकता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से काम करे। अगर ये छोटा सा होल ना हो तो आपका ताला जल्दी ही खराब हो जाता है। नंबर 3, पेन कैप होल। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपने डेली पेन तो यूज़ करते ही होंगे। क्या आपने कभी नोट किया है पेन की कैप में होल होता है? आप जिस भी कंपनी का पेन खरीदते हो उसमें पेन में होल ज़रूर होता है। असल में प्रॉब्लम यह है कि 90% लोग की आदत होती है कि वो पेन की प्लास्टिक कैप को चबाते हैं और कैप को मुंह के जरिए गले में जाने के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। यहाँ तक कि हर साल 100 केसेस सामने आते हैं। अगर कैप में ये होल ना हो तो सांस बंद हो जाएगी, इसलिए ये होल बनाया जाता है ताकि इस केस में एयर सर्कुलेशन हो सके। नंबर 2, फ्रंट पॉकेट इन जैकेट। दोस्तों, आपने जींस की पैंट में बहुत सी पॉकेट देखी होंगी। ये पॉकेट्स काफ़ी यूजफुल होती है और उनमें चीज़ों को रखा जा सकता है, लेकिन ड्रेस कोट और जैकेट में भी एक पॉकेट होती है जो बिल्कुल फ्रंट पर होती है। इसे अब तो फैशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसमें सूट से 4 चांद लगाए जाते हैं, लेकिन 19वीं सदी में इन पॉकेट्स को टिकट पॉकेट्स कहा जाता था। लोगों को इनका इस्तेमाल इवेंट्स में टिकट रखने के लिए करते थे। इसे हॉर्स रेस या सिनेमा की टिकट रखी जाती थी ताकि वो गुम ना हो। आज की फैशन इंडस्ट्री ने इनका मेन पर्पस ही बदल के रख दिया। नंबर 1, होल्स इन एयरपोर्ट्स। दोस्तों, आप आईफोन यूज़र हैं तो आपने इस एयरपोर्ट्स पर ये अजीब होल देखे ही होंगे। यहाँ तक कि ये होल से एप्पल हैंड्स फ्री में भी होते हैं। एक तो मेन होल होता है जिससे म्यूजिक सुनाई देता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा होल हैंड फ्री में भी होते हैं। शायद आपको को लगता होगा कि ये माइक का काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका एक्स्ट्रा होल को साउंड क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसके अलावा एंटरप्राइजेस को भी मिनिमाइज करते हैं। असल में सारे स्पीकर वाइब्रेशन पैदा करती है, वाइब्रेशन प्रेशर बनाती है जो मटेरियल को डैमेज करती है। इसलिए एप्पल डेवलपर्स ने ये होल बनाए हैं जो कि एयर सर्कुलेशन में मदद करती है और ये प्रेशर को रिड्यूस करती है, जिससे साउंड क्वालिटी इम्प्रूव होती है और ये